ठीक है, वीडियो ऑन हो गई ताकि आपकी वीडियो बनती रहे। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी 150 लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनका काम किसी सेंट्रल प्लेस पे जाए और वो इंटीग्रेट होता जाए, ताकि अगर किसी की हार्ड डिस्क ख़राब है, कोई पीसी ख़राब हो गया या कोई और चीज़ है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है, जो भी काम था, वो सेफ हो जाए। उसका एक और काम यह है कि उसकी वर्जनिंग कंट्रोल होती रहे। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस को फिलहाल छोड़ देते हैं। इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, ETC, यानी जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा तो फिर उसको प्लान करना, ये सारी चीज़ें, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर हाउस या IT डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो ये मैनेजमेंट प्लस डेवलपमेंट, तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ये हम एक्चुअली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देर आर टू मेजर मेजर प्र जी, म्यूट कर लीजिए भाई अपने उसको, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये हमने अभी पीछे देख लिया है कि डेवलपमेंट में ये वाले स्टेप्स हैं या फेजेस हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये कुछ रोल्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। बिजनेस एनालिस्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिस्ट, इसको मैं चेंज कर दूं, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ये सिस्टम एनालिस्ट नहीं होता है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, इसको मैं चेंज कर दूं। ठीक है, आर्किटेक्ट, डिजाइनर एंड देन डेवलपर। ठीक है, टेस्ट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें। कोई सवाल नहीं समझ में आया तो पूछ दीजिएगा। अम्ब्रेला एक्टिविटीज हमने देख ली थी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बता दिया है, चेंज मैनेजमेंट थोड़ा सा भी बता देता हूँ आपको कि जब भी इसको कहते हैं, चेंज इज इनएविटेबल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी जब बनाएंगे तो उसमें जब कस्टमर देखेगा सॉफ्टवेयर को, स्क्रीन को, तब उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आएगा। बताते वक्त तो क्योंकि देखा ही नहीं था उसने, बस बता रहा था हमें ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो जब वो देखेगा तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स, चेंजेस को रिक्वेस्ट करेगा, तो चेंज कैसे होने चाहिए, वरना वो बोलता रहेगा और हम करते रहेंगे। तो ये एक चेंज मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, तो वो हम भी देखेंगे। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन ये होता है कि जो भी आपके फेजेस हैं उसके दरम्यान में, आप नेक्स्ट फेज पे नहीं जाते हैं, जो एरर है उसको उसी फेज में देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं 5 साल से 6 साल से, तो हर प्रोजेक्ट के बाद आपको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि प्रोसेस मेच्योर क्या होता है, इमेच्योर क्या होता है, तो मेच्योरिटी कब आएगी? जब आप उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये भी हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या? अभी हम मैनेजमेंट पे नहीं जा रहे हैं, याद रहे कि अभी हमने दो प्रोसेस देखे, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अब मैनेजमेंट अभी इस बहुत आखिर में कहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अभी नहीं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? सेट ऑफ फेजेस एंड ईच फेज बीइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये भी हमने देखा था कि एक फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट लेना है, तो रिक्वायरमेंट एक अलग फेज है, डिजाइनिंग एक अलग फेज है, और कोडिंग एंड टेस्टिंग एक अलग फेज है। तो रिक्वायरमेंट के अंदर ये मैं बता रहा हूँ कि ईच फेज बीइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी रिक्वायरमेंट में लेना है तो आप जाके पहले क्या करेंगे, पहले तो उससे टाइम लेंगे, शेड्यूल करेंगे मीटिंग को, दो भी मीटिंग्स हैं, फिर आप जाके मिलेंगे उनसे, वो कुछ बताएंगे, आप नोट करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग होगी, फिर वो करने के बाद आप मॉडलिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे और फिर जाके वैलिडेट कराएंगे। तो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का या बिजनेस एनालिस्ट का फेज है। तो वैरायटी ऑफ मेथोडोलॉजीज, यानी अभी हम पढ़ेंगे, चेंज ड्रिवन और प्लान ड्रिवन होता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो अगर वाटरफॉल है तो उसके कोई स्टेप्स दूसरे होंगे, और अगर एजाइल है तो उसके स्टेप्स दूसरे होंगे। Why have phases to employ divide and conquer? याद है आपको, हमने डीकम्पोज पढ़ा था, ट्रायंगल
बहुत बड़ी चीज को छोटा छोटा कर लो तो डिवाइड एंड कॉन्कर। ईच फेज हैंडल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो एब्स्ट्रैक्शन था कि एक चीज पे फोकस करो, ठीक है, और हेल्प्स इन कंटिन्यूस वैलिडेशन एट ईच फेज। ये भी हमने देख लिया था। और रिक्वायरमेंट एलिसिएशन, अब जरा इसको डिटेल में चले जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट एलिसिएशन, अच्छा मैंने असाइनमेंट दिया था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एलिसिएशन में फर्क क्या है, तो हम थोड़ा सा आखिर में बात करेंगे। अगर किसी ने देखा है, सर्च किया है, तो याद है मैंने कहा था कि हम वी डोंट यूज द वर्ड गैदरिंग एनी मोर, वी यूज द वर्ड एलिसिएशन, तो देयर हैज अ रीजन। देखा था, जरा बताएंगे मुझे, एक्सप्लेन करेंगे क्या है फर्क। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ये होता है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हम उसके थ्रू जो हमारा SRS होता है, मॉड्यूल्स वगैरह, हम उसको देख के जो हमारे पास ऑलरेडी मतलब मौजूद हैं, डिटेल्स मौजूद हैं, उसके थ्रू हम उसको बनाते हैं। और इलस्ट्रेशन में ये होता है कि हम जाके रिक्वायरमेंट्स लेते हैं क्लाइंट्स के बाद, जो जो भी होती हैं, तो उसमें हम जाके पहले रिक्वायरमेंट्स लेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें काम करेंगे और उसमें जो भी हमने फर्दर प्रोसेस करना होगा वो करेंगे। शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं, जाके लेंगे तो भी गैदर ही करेंगे या एलिसिटेशन करेंगे सर, लेकिन जो गैदरिंग जो एलिसिटेशन में उसमें हम जाके उनसे गैदर करेंगे, लेकिन जो आप आपने पहले वाला बोला था उसमें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ना डेटा। हाँ आधी बात सही है, लेकिन अगर मौजूद नहीं है जाके हम रिक्वायरमेंट लेंगे तो वो भी गैदरिंग नहीं है, यही समझने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एलिसिटेशन। इस पे जब आप 7th semester में आएंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो फिर हम उसको बताएंगे। यहाँ सिर्फ ये है कि वो गैदरिंग वो भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को अपना प्रॉब्लम तो पता है लेकिन क्या चाहिए वो नहीं पता है, तो वो किसी को डिग इन करना पड़ेगा, निकाल के लाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिसिटेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी खरीद रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि मुझे क्या चाहिए, यू नो योर रिक्वायरमेंट, तो आप बताएंगे और ले लेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये कहते हैं कि उसको पता नहीं है, कस्टमर को अपना प्रॉब्लम तो पता है लेकिन क्या चाहिए ये नहीं पता है, तो दैट इज अ स्पेशलाइजेशन रोल, इसलिए उसको एलिसिटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आई नहीं आई? क्लास? यस सर। हाँ क्या समझ में आई जरा बताइए मुझे, एलिसिटेशन क्यों कहते हैं, गैदरिंग क्यों नहीं कहते हैं, कोई समझाएगा सर को? देखिए फिर से बताता हूँ, एलिसिटेशन इसलिए कहते हैं कि जो टेंजिबल नीड है या टेंजिबल चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसको तो आप बहुत ही क्लियरली बता सकते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी में सस्ती वाली चाहिए, महंगी वाली चाहिए, सुजुकी चाहिए, मर्सिडीज, दीज आर टेंजिबल, बताने वाला और सुनने वाला इसको समझता है, मुझे मकान चाहिए या मुझे महल चाहिए, ठीक है, तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर रिक्वायरमेंट, मुझे सब्जी आलू जो भी है ना, दे आर वेरी क्लियर, क्योंकि देख रहे हैं ना अब एक दूसरे को, चीज को भी देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर में दिख नहीं रहा है ना, छोटा है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, जब बन के आएगा तब नजर आएगा, अभी तो नजर नहीं आ रहा है ना, तो इनटेंजिबल की रिक्वायरमेंट को गैदर करना बहुत मुश्किल है, तो वी डोंट यूज द वर्ड गैदरिंग, वी कॉल इट एलिसिटेशन, वो बताएगा प्रॉब्लम और आप उसको मॉडल करेंगे और कहेंगे यही चाहिए ना, तो दिस इज कॉल्ड एलिसिटेशन, यानी एलिसिटेट करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ ये हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे 7th semester में तब जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देयर इज अ रीजन फॉर यूजिंग द वर्ड एलिसिटेशन। अच्छा, स्टेट द बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा, और फिर आप उसे डिटेल पूछते जाएंगे, ठीक है, और फिर आप सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी वजह भी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि एग्जाम्पल देके। फ्रॉम द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इट स्पेसिफाइज व्हाट,
क्या मसला है मेरा और मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि कैसे आप देंगे, कौन सी रिपोर्ट देंगे, क्या करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये एक बात है, कस्टमर बताएगा मेरा मसला क्या है, व्हाट एंड नॉट हाउ। हाउ का मतलब है डिजाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग, ये आप करते हैं, ठीक है। वरना तो कस्टमर बताएगा कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो बस आप बताएंगे क्या मसला है। तो नीड्स ऑफन नॉट अंडरस्टूड वेल, अब ये एक जुमला है जो इलस्ट्रेशन वाला है कि नीड कस्टमर की समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी, कोई बताएगा? ये जो सेकेंड लाइन है, नीड ऑफन नॉट अंडरस्टूड वेल, यानी आप अगर डेवलपर हैं या आपकी डेवलपमेंट टीम है और एक कस्टमर है जो बैंक का है, तो उसकी नीड समझ में नहीं आएगी। क्यों भाई, तो बताएगा ऐसा क्यों है? सब लोग जाग रहे हैं या सो गए हैं जी? सर क्योंकि हम उसकी फील्ड के नहीं है, क्योंकि वो एक अलग फील्ड। हमने तो प्रोग्रामिंग वगैरह की है, और सही। जो हमारा जो क्लाइंट है वो तो उसकी बैंकिंग मैनेजमेंट में वो है, तो इसलिए माय फील्ड्स अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा उसमें इशू होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। वो बैंकिंग का एक्सपर्ट है और आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे तो बनाएंगे कैसे, अब ये दूसरा सवाल है। इसका जवाब है कोई? मतलब बात सही है आपकी कि वो समझ नहीं पा रहे, तो अगर समझ नहीं पाएंगे तो बनाएंगे कैसे? फिर तो एरर आता रहेगा, वो कहेगा और सही करो, फिर कहेगा और सही करो, फिर ये गलत है, आप समझे ही नहीं थे। तो अगर आप किसी को समझा रहे हैं और वो समझ नहीं रहा, उसे घर बनवा रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ, इसको कैसे हैंडल करेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि समझ में ही नहीं आई और बार बार बनाते जा रहे हैं, वो कह रहा है नहीं एरर है, एरर है, ये वाली लाइन समझ में आ रही है? कैसे सही करेंगे, अभी जहन में रखिएगा इसका जवाब। हाँ बताइए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होगा। क्या होगा सर? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होगा। हाँ अल्लाह के बंदे, वर्जन तो होगा, लेकिन 6 वर्जन बना दूंगा तो उसकी तनख्वाह कौन देगा जो समझ में नहीं आ रहा था? सही किया जा रहा हूँ, बतलाया जा रहा हूँ, तो दिस हैज टू बी कंट्रोल। बात यह कि दिस हैज टू बी, हमें उसकी बात समझ में आनी चाहिए और उससे वैलिडेट कराना चाहिए। बगैर उसके करेंगे तो फिर हम सही करते रहेंगे। वर्जन कंट्रोल तो होगा कि पहला वर्जन खराब था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बट इट हैज अ कॉस्ट, ठीक है। मैंने किसी से बिरयानी बनाई और बोला अच्छी नहीं है, दोबारा से बनाओ, फिर दोबारा से बना के लाया, बोलो अच्छी नहीं है, फिर दोबारा से बनाओ, पूछेगा ना कैसी खानी है भाई? तो अगर ये समझ ही नहीं आ रहा है और बिरयानी आप नापसंद किए जा रहे हैं, नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम बात समझ में आ रही है सर? लेकिन अगर वर्जन कंट्रोल में तो ये होता है ना, अगर उसने वर्जन 1 दे दिया और मैं, और अगर उस बैंकर ने अप्रूव ही नहीं किया तो उसको दोबारा बना के देना पड़ेगा। हाँ तो अप्रूव करा के बनाए ना, यही तो कह रहा हूँ। आप अगर आपसे कोई, आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए आप ऑर्डर दे रहे हैं तो पूछेगा ना क्या क्या चाहिए, तो जो है वो ला के देगा। अगर आपने बिरयानी ऑर्डर किया तो पास्ता थोड़ी ला के देगा, या कोई और चीज़ पुलाव थोड़ी ला के देगा। बात ये समझने की जरूरत है, रेस्टोरेंट में तो बहुत ही क्लियर है ना कि क्या मांग रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्लियर नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, इलिस्ट्रेशन का वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्लियर नहीं होता है कि वो क्या चाहता है। बैंकिंग की डिटेल हमारे पास नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, खुद ही बताया ना अभी आपने, तो हमें समझना मुश्किल होगा। तो बात यह है कि चीजें क्लियर नहीं है, और जब तक क्लियर ना हो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, ये चीज स्टैब्लिश हो रही है, वरना तो फिर हम समझ में नहीं आएगा, दोबारा दोबारा काम करते रहेंगे। इसको मिनिमाइज करना है, जीरो तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसको मिनिमाइज करना है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सब मेरे साथ है? यस सर। ठीक है। अच्छा, द आउटपुट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन इज क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट है जिसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, लेकिन इसको डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग वाले फेज में जाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? वो ये कर लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो कस्टमर समझ सके, ऐसा ना हो कि आपने ऐसी डायग्राम बनाई है जो कस्टमर नहीं समझे। ठीक है सर, वो टेक्नोलॉजी नहीं पड़ी हुई ना, इसलिए वो समझता नहीं है। मैंने जो यूज केस बनाए हैं या DFDs बनाए हैं उसकी समझ में नहीं आते, तो उसकी समझ में आना चाहिए जो भी आपने लिखा है, और दिखाने के बाद फिर आप कहेंगे यही चाहिए ना आपको। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे को समझ पाए। अब ये एक मुश्किल काम है जो कि करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। तो ये एक बहुत बड़ा फेज है और मुश्किल फेज है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना मुश्किल है,
क्योंकि वो बिजनेस की जुबान बोलता है, या तो सप्लाई चेन की जुबान बोल रहेगा, या इंश्योरेंस की जुबान बोलेगा, या बैंकिंग की जुबान बोलेगा, या कोई और जुबान बोलेगा जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, हमने तो टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है। तो इसको समझना और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। ये फेज सही नहीं हुआ तो सारा काम गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो डिसएग्रीमेंट होगी, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं था कि आपने क्या कहा, तो उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए डिसएग्रीमेंट से बचाने के लिए। और डॉक्यूमेंट जो है वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। लिखा हुआ बात तो ना आप डिनाई कर सकते हैं ना कस्टमर डिनाई कर सकता है, जो डायग्राम्स हैं, तो ये सारी चीजें। इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट स्कोप क्रीप इज हाई। स्कोप क्रीप का मतलब है नहीं ऐसे भी कर दो, नहीं ऐसे भी कर दो, नहीं ऐसे भी कर दो, तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आपने 2 महीने का प्रोजेक्ट था तो 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि उसने ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ये भी करा लिया। एग्रीमेंट नहीं था ना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ी टीम है और वो बैंक पे काम कर रही है तो 10 लोगों की तनख्वाह कौन देगा 1 महीने की? कोई तो देगा ना। तो अगर हर दफा ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो अब डिजाइन, अब रिक्वायरमेंट समझ गए और अब हम जनाब अ मेजर स्टेप इन मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन इसलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम वो बताएगा, आप उसको एनालाइज करेंगे और उसको रिकमेंड करेंगे सॉल्यूशन। ये काम बिजनेस एनालिस्ट का होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है, तो मेन टास्क इज टू डिजाइन आर्किटेक्ट एंड डेटाबेस। अब हम देखते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। मोस्ट मेथोडोलॉजीज फोकस ऑन आर्किटेक्ट और हाई लेवल एंड आउटपुट इज आर्किटेक्ट एक अलग चीज है, डेटाबेस डिजाइन एक अलग चीज है। तो रिक्वायरमेंट समझ गए, अब आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको जरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिससे आपको बनाना है, तो हम देखते हैं कि वो बड़ी वो एप्लीकेशन को क्या करेंगे। तो डिजाइन एंड इनपुट स्क्रीन फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपकी एक एलएमएस बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो एलएमएस का डिसीजन पहले होगा कि एलएमएस सेपरेट डेटाबेस होगी हर डिपार्टमेंट की। जैसे आपके अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल अलग है, सीएस अलग है, मैकेनिकल अलग है, मैनेजमेंट साइंस अलग है, हम क्या करेंगे, सबको एक साथ रख देंगे और डिपार्टमेंट से उठाएंगे, एक ये भी तरीका हो सकता है, या फिर हम सेपरेट डेटाबेस रखेंगे, डिपार्टमेंट अलग अलग रखेंगे, फिर क्या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगी डीएसयू की या अलग अलग होगी। एक्सेस जो होगा वो, अगर जैसे डेटाबेस आपने डीएसयू में रखा हुआ है तो वहीं से एक्सेस होगा, या जैसे अभी एलएमएस को मैं अपने घर से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो कैन एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर। अब ये एक आर्किटेक्ट है, अगर ये बनाते वक्त आपने ख्याल नहीं रखा तो फिर ये दूसरा है डिजाइन, डेटाबेस का डिजाइन। तो डेटाबेस का डिजाइन इनपुट स्क्रीन, अगर ये इनपुट स्क्रीन है, फादर नेम, CIC, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, अब ये डेटाबेस का डिजाइन। तो डेटाबेस का डिजाइन एन आर्किटेक्ट में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा फर्क है। डेटाबेस तो हर स्क्रीन और रिपोर्ट की बनेगी जो भी आप बना रहे हैं, अगर 40 स्क्रीन है तो 40 आपने चीजों को डिफाइन करना होगा और रिपोर्ट है, लेकिन ये पूरा एक दफा बनेगा आर्किटेक्ट। इसको यूं समझ लीजिए जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो घर में जो डिटेल है वो कमरों की है, किचन की है, बाथरूम्स की है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो ये डेटाबेस है। लेकिन कितने मंजिल बनानी है और क्या नाम है इसको, यानी कितना मजबूत रखना है और डायमेंशंस क्या हैं, अब ये सारी चीजें ना, दैट इज एन आर्किटेक्ट। यानी ऐसा ना हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक चीज दूसरे को कैसे संभालेगी, दिस इज नॉट डिजाइन। डिजाइन तो कमरा में डिजाइन कैसे होगी, उसमें खिड़की दरवाजे कैसे लगेंगे, लेकिन उसका आर्किटेक्ट एक अलग चीज है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर उसका आर्किटेक्ट बहुत ही वेल डिफाइन होना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज कहाँ जाएगी। आर्किटेक्ट
की एडवाइस या सजेशन ये होती है कि लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव. इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक बड़ी एप्लीकेशन है, जिस तरह हमने शुरू में देखा था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग मॉड्यूल हमने बनाए थे ताकि उसको मेंटेन करना समझना आसान हो जाए. ठीक है, तो ये एक चीज है. तो डिजाइन एक अलग चीज है जो इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे वो किस तरह से होती है, मॉडलिंग किस तरह से होती है हम सीखेंगे. ठीक है, तो बात समझ में आ रही है. रिक्वायरमेंट हुई, डिजाइन हुई, अब ये अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो डेटाबेस का कोर्स पढ़ा होगा आपने, उसमें शायद आर्किटेक्ट पढ़ा होगा, पता नहीं. लेकिन बारह जब आप एफ आई पी करेंगे तो वहाँ आर्किटेक्ट भी पूछा जाएगा, डेटाबेस भी पूछा जाएगा. ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट मैं शेयर भी कर लूंगा आप लोगों से कि एफ आई पी में बनाना कैसे है. जब आप एक साल के बाद सेवन सेमेस्टर में आएंगे तो फिर उसकी शक्ल यहाँ थोड़ी सी देख लें. ठीक है, फिर आप कोडिंग करेंगे. कोडिंग से आप बहुत फैमिलियर हैं, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, सी में, जावा में, या रिएक्टिव नेटिव में, जो भी आपकी लैंग्वेजेस में आप करेंगे, जो भी जिस तरह होता है सूडो कोड बनाते हैं, तो एक आप उसकी. तो दिस इज द एक्चुअल सोर्स कोड, जिसको आप कोड कहते हैं, इसको एक्चुअली सोर्स कोड है. ठीक है ना, तो कोडिंग फेज इफेक्ट बोर्ड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. क्यों बताएगा ये वाला जुमला, सॉरी ये जुमला क्या समझ में आ रहा है? कोडिंग फेज इफेक्ट बोर्ड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, वेल रिटन कोड रिड्यूस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. ये बात समझ में आ रही है अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, ये वाली चीज? यस सर, एफिशिएंट कोड की बात हो रही है. एफिशिएंट कोड तो कहीं नहीं लिखा हुआ, वेल रिटन लिखा हुआ है. रिड्यूस टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, वेल रिटन का मतलब है. जी बोलिए 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 सर. वेल रिटन कोड मतलब सर के वो मेंटेनेबल है और अपडेट कर सकते हैं उसे. हाँ, अगर चलता है क्या चलता है इसमें ये भी है सर. एफिशिएंट है मतलब जस्ट लाइक अ कोड जो उसकी प्रोसेसिंग तेज है, मल्टी थ्रेडेड कोड है. मैंने कहीं एफिशिएंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है. देखिए, एफिशिएंट इज अ डिफरेंट वर्ड, हम एफिशिएंसी की भी बात नहीं कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं समझ में आसानी से आए, इंडेंटेशन हो, लॉजिक आसान हो, आपका लिखा हुआ कोड दूसरी टीम पढ़ सके, समझ सके. अभी हमने एफिशिएंसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है. उसको रीफैक्टरिंग कहते हैं, यानी इम्प्रूव करना. अभी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कोड जो 10 लोगों ने लिखा है लेकिन अगली जो मेंटेनेंस टीम है उनकी समझ में आए, तो वो कैसा होगा? उसमें कॉमेंट्स होंगे, इंडेंटेशन होगी, अलग अलग लिखा होगा. ये ऐसे ही है जैसे क्यों समझ लीजिए, एक किताब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. ठीक है, तो एक चैप्टर मैं लिख रहा हूँ, एक चैप्टर आप लिख रहे हैं और एक चैप्टर कोई और लिख रहा है. ठीक है, अगर उसको सही जगह पे प्लेस नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसेस की. ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की और कोई और बात है रहे टेस्टिंग का. ये अलग अलग चैप्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब लिख रहे हैं. अगर वो अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ तो वो समझ में नहीं आएगा लोगों की. और ठीक है, तो ये वो है क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, एक आदमी कौन सा कोड लिख रहा है, एक आदमी कौन सा कोड लिख रहा है, तो उस पर रीडेबल होना, उसको समझना, ये वाली बात हो रही है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एफिशिएंट पर्पसली. अभी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, वो एक अलग चीज़ है. यहाँ वेल रिटन यानी पढ़ के समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, आपकी लॉजिक. बात क्लियर हो रही है? यस सर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद टेस्टिंग होगी. टेस्टिंग ये पूरा पढ़ेंगे लेकिन अभी हम उसकी थोड़ी सी वो पढ़ेंगे. डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस इन ईच फेज, मस्ट बी फाउंड एंड रिमूव टू अचीव. तो आप क्या करते हैं, जो आपको कोड लिख के दिया जाता है, तो टेस्ट इंजीनियर क्या करता है, हर स्क्रीन और हर रिपोर्ट पे डेटा डालता है, स्टेप्स फॉलो करता है, ये डालो ये डालो ये डालो. तो स्टेप्स होते हैं, डेटा डालता है और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है. ठीक है, जैसे लॉगिन स्क्रीन पे अगर मैं नोन यूजर आईडी और सही पासवर्ड डालूं तो मुझे लॉगिन पे ले जाना चाहिए. तो पहला क्या करना होगा, मुझे यूजर आईडी डालनी होगी, फिर क्या करना होगा, फिर मुझे पासवर्ड डालना होगा. दीज आर कॉल्ड स्टेप्स.
तो यूजर आईडी और पासवर्ड अगर वैलिड है तो वो मुझे लॉग इन स्क्रीन के अंदर ले जाएगा, यानी सिस्टम के अंदर ले जाएगा। लेकिन अगर लॉग इन आईडी और पासवर्ड वैलिड नहीं है तो एरर मैसेज देके दोबारा से एंटर करवाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट केस कहलाता है। और मगर करने से पहले आप टेस्ट प्लान लिखेंगे, कितने स्क्रीन है, कितनी रिपोर्ट है, ठीक है, और उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट प्लान। फॉर एग्जाम्पल 10 स्क्रीन है तो एक दिन में अगर एक स्क्रीन है तो 10 दिन लगेंगे, दैट इज अ टेस्ट प्लान। फिर टेस्ट केसेस बनेंगे उसके, अगर 4 फील्ड हैं तो जल्दी से हो जाएगा। ओके, 10 मिनट रह गए हैं, हम दोबारा से लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट केसेस होगा, फिर टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसकी रिपोर्ट करेगा किसको, डेवलपमेंट टीम को। ये टेस्ट इंजीनियर कर रहा है और टेस्ट रिपोर्ट जो भी बग रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करेगा डेवलपर को। डेवलपर उसको स्टेप्स देखेगा और डेटा देखेगा और फिर उसको आइसोलेट करके सही करेगा, डीबग करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ रही है बात कि हमने डेवलपमेंट को अलग अलग कर लिया और हमने रिक्वायरमेंट अलग ले ली, डिजाइन अलग कर लिया, कोडिंग और टेस्टिंग। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये बिल्ट एंड फिक्स से बहुत डिफरेंट है। इसमें डेप्थ है, इसमें विजिबिलिटी है, इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन रोल है, सारी चीजें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, अब ये एक बात है, जरा देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स। ये टिपिकल है, थोड़ी ज्यादा कम हो सकती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली, यानी कोडिंग जिसको हम एक बहुत बड़ा काम समझते हैं, कोडिंग इज 30% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, या 1/4 है या 25-30%। कोडिंग इज नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव, रिक्वायरमेंट इज मोर एक्सपेंसिव, डिजाइन इज मोर एक्सपेंसिव। ये एक दो काम बहुत अच्छे हो गए तो कोडिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। अच्छा, टेस्टिंग देखिए, एक टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये ऑलमोस्ट 30% जितना काम कोडिंग में हो रहा है उतना ही काम टेस्टिंग में भी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखिए कि ये हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस में टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खराब चीज कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए, उसको अच्छी तरह से टेस्ट करो। तो यहाँ टीम नजर आ रही है आपको कि अगर मेरे पास 10 कोडर हैं तो कितने टेस्ट इंजीनियर होने चाहिए? बताना जाएगा कि अगर मैं पास टीम बना रहा हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 प्रोग्रामर हैं, तो मेरे पास कितने टेस्ट इंजीनियर होने चाहिए? एक रूल ऑफ थंब यहां से नजर आ रहा है कहीं से आपको अंदाजन? सर 3-4 होने चाहिए। अबे 30% कोडिंग है और 30% टेस्टिंग है, तो 3-4 कैसे होने चाहिए? सर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, यहाँ से नजर आ रहा है कि तकरीबन बराबर होने चाहिए, कम से कम 1/3 होने चाहिए। अगर 10 हैं तो 3 होने चाहिए, 20 हैं तो 6 होने चाहिए, कम से कम। ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस है। अब यही तो कह रहा हूँ, मॉडर्न प्रैक्टिसेस कहती है कम से कम 1/3 होना चाहिए टेस्ट इंजीनियर। 3-4 से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा कोड लिखा है उसको टेस्ट करना है स्टेप। अभी आपको आप उस स्कोप को नहीं देख पा रहे हैं, टेस्टिंग होती क्या बला है, कितनी इंटेंस होती है, कितनी गलतियों को निकालना है और फिर दोबारा से देना, फिर दोबारा से देना, फिर दोबारा से देना। उसके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, सारे कुछ है। तो ऑटोमेशन से चीजें कम हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 1/3 चाहिए। जैसे अगर 100 आपके पास डेवलपर हैं तो कम से कम 30 टेस्ट इंजीनियर होंगे, कम से कम, वरना तकरीबन बराबर बराबर चाहिए। अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में आपको तकरीबन बराबर बराबर, थोड़े से कम होंगे टेस्ट इंजीनियर क्योंकि, लेकिन तकरीबन कम से कम 50% तो होंगे। जैसे 100 टेस्ट प्रोग्रामर हैं तो 50 टेस्ट इंजीनियर होंगे। ये अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहा हूँ जो CMM लेवल 3 पे हैं, सारा कुछ है। वरना तो आप ना भी रखें, खुद ही कोड को टेस्ट कर लें, सारा कुछ है। तो अब ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस है जो आपको जहन में रखना है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर होंगे, हाईली क्वालिफाइड, हाईली पेड लोग होंगे जिनको बिजनेस की नॉलेज होगी। और बीए का एक रोल है, मैं बीए का जब ट्रेनर हूँ पाकिस्तान में, जब मैं पढ़ाता हूँ तो 2 महीने बाद पता चलता है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो न्यूजीलैंड चला गया। कहाँ हूँ सर, मैं तो न्यूजीलैंड में हूँ, मैंने की इसलिए थी सर्टिफिकेशन, या मैं अमेरिका में हूँ।
ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कोडिंग इज वेरी लेस इंटीग्रेशन, कस्टमर को समझना, तो यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, समझ में आ रही है बात. वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न प्रैक्टिसेस, तो यही है, बिल्ट एंड फिक्स से थोड़ा सा निकलना है. ठीक है, आगे चलते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दो मेजर कैटेगरीज हैं, दो मेजर कैटेगरीज को हम देखते हैं, प्लान ड्रिवन एंड चेंज ड्रिवन. तो अभी तक कोई सवाल किसी के जहन में, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, डज नॉट मेक सेंस, डज इट लुक लाइक ए थ्योरी के सर ये थ्योरी है, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में इस्तेमाल नहीं होती होगी, या ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है जहन में, आ रहा है या तो नहीं आ रहा है. चलिए, नो सर. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्लान ड्रिवन या चेंज ड्रिवन या फीचर ड्रिवन. एक्चुअली प्लान ड्रिवन तो पुराना तरीका है जिससे आप, जो हमने बोरो किया हुआ है दूसरी इंजीनियरिंग से. बोरो का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो हमने टिपिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस पढ़ा था अगर आपको याद हो, स्पेसिफिकेशन डिजाइन कोड एंड डेवलपमेंट. याद है हमने गाड़ी बनाई थी, घर बनाया था शुरू के लेक्चर में, टिपिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस. तो ये प्लान ड्रिवन वही है कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं पता हो, कंप्लीट नहीं पता हो, ठीक है. लेकिन फीचर ड्रिवन जो है वो, क्योंकि अब हमें अंदाजा हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में इस सिविल इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुख्तलिफ है, तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता हो सकती हैं. तो हमें फीचर्स पे फोकस करके ऐड करते जाना चाहिए. यूं समझ लीजिए, अगर आप पुल बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, तो यू शुड नो द कंप्लीट डिटेल ऑफ दैट ब्रिज, कितना बड़ा होगा, क्या साइज होगा, क्या चीजें, तो यू शुड नो द. तो इसमें प्लान करना, इसमें चीजों को एग्जीक्यूट करना, तब तो ये वाला प्रोसेस सही है. लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे उसमें एनहांसमेंट होती जाती है, तो आप कहेंगे अभी जो मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ उसमें 10 फीचर होंगे, फिर आप चलाएं, फिर आप कहेंगे ये 2 एडिशनल फीचर हैं, तो वो भी ऐड कर दें, वो भी ऐड कर दें, वो भी ऐड कर दें. तो सॉफ्टवेयर में शायद ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है. पिछले 20 सालों में 15 सालों में हमें ये पता चला, ठीक है. तो इसको जरा देखते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा. प्लान ड्रिवन क्या होता है जरा पढ़िए इसको, मैं फिर समझाता हूँ क्या होता है. ठीक है, तो प्लान ड्रिवन में स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू प्लान फॉर anticipated upfront all features. All features का मतलब है complete requirement आपको पता हो पहले से, तो आप plan driven बनाएं. लेकिन अगर पूरी requirement नहीं पता, तो फिर ये वाला तरीका कार शायद सही नहीं है. ठीक है, तो the end product user might want in the end product and determine how best to build those features. So plan driven process is used when all required features and functionality is completely known. अच्छा, इसको जरा गौर से पढ़ लीजिए, ये वाला जो जुमला है ना, plan driven process is used when requirements are completely known. जरा इसको याद कर लीजिए कि ये major फर्क है plan driven के अंदर. तो जरा civil engineering से, क्योंकि हमने borrow किया, तो civil engineering में तो possible है ये, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट पता होना शायद पॉसिबल नहीं है. एक हद तक तो है, अगर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर आपने पिछले 2 बनाए हैं 10 सालों में, तो आपको बहुत आइडिया होगा कि बैंकिंग में क्या है. ठीक है, तो लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, रिक्वायरमेंट नहीं आ गई, तब भी आपको उसमें फिर एनहांसमेंट करनी पड़ेगी. ये बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टवेयर और सिविल इंजीनियरिंग में फर्क है. हमारी जब भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, तो 3 महीने 4 महीने बाद कस्टमर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप कहते हैं हो तो सकता है, इसके लिए मैं चेंज कर दूंगा. तो कंप्लीट नोन कि फिर वो 10 साल तक चेंज ना हो, ऐसा जरा मुमकिन नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर. सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा मुमकिन है, मैकेनिकल में, बाकी इंजीनियरिंग में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है. तो लेकिन बोरो हमने वैसे उनसे किया था,
टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच, लेकिन बाहर तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, वाटरफॉल, वाटरफॉल कहते हैं इसको, बताऊंगा वाटरफॉल क्यों कहते हैं। दूसरा है फीचर ड्रिवन प्रोसेस, को चेंज ड्रिवन भी कहते हैं, तो याद रहे चेंज ड्रिवन भी कहेंगे, फीचर ड्रिवन भी। तो फीचर का क्या मतलब है, फीचर का मतलब है कि आपने जब सॉफ्टवेयर बनाया, रिक्वायरमेंट को कहीं लॉक किया और बोला कि जनाब अभी मैं आपको 100 रिक्वायरमेंट दूंगा, ठीक है, फिर आपने 3 महीने यूज किया और फिर आपने कहा 5 रिक्वायरमेंट और दे दो, तो उसने आपने इनहांस कर दिया, फिर 3 महीने बाद 5 रिक्वायरमेंट और दी, आपने फिर इनहांस कर दिया। तो फीचर ड्रिवन इज एन आई